हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज की वीडियो में फिर से हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा पर। पहले वाले वीडियो में क्या हम लोग देखे थे कि जैसे मैं एक्स प्लस वन बटा एक्स दिया हुआ है तो उसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या एक्स के पावर चौवन प्लस वन बटा एक्स के पावर चौवन दिया हुआ है तो उसे आप उसके चार गुना से कैसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या एक्स माइनस वन बटा एक्स से आप लोग एक्स के पावर फोर प्लस वन बटा एक्स के पावर फोर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले क्यूब का सॉल्व करेंगे कि जैसे मैं एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए दे दिया तो एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होगा। इस टाइप से जितना प्रश्न आता है एग्जाम में सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। या दे दिया कि एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर ए है, कोई ना अंक है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होगा, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको है कि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर पांच है, तो आपको जो बताना है कि एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या जब स्क्वायर ज्यादा थे एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर पांच रहता था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर के लिए क्या कर देते हैं, देख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर के लिए किस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, और दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देते थे कि दो घटा देते थे, तब 25 में से दो ज्यादा था तो 23 है, ये करते थे कब, स्क्वायर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, ये नंबर है ना उसका क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर जब रहता था तो स्क्वायर करते थे, अब क्यूब है तो क्यूब करेंगे। उसके बाद दोनों जगह पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, इसमें भी दोनों जगह पे प्लस रहता था तो माइनस करते थे, यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे, तीन लिखेंगे, तीन क्यूब करें तो यहाँ पर तीन गुना जो नंबर है उसको लिख देंगे, जो नंबर है उसको लिख देंगे। पांच का क्यूब होता है 125 माइनस तीन पचे 15, 125 में से 15 गया तो बच गया कितना 110, तो यहाँ पे 110 आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको दे दिया कि एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू 7 है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स का क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे क्या है, पावर एक से पावर तीन हो रहा है, तीन गुना बढ़ रहा है ना कि प्लस टू करके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यदि याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा। अभी तो आसान है लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ता जाएगा। तो पावर एक से पावर तीन हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब माइनस तीन गुना जो नंबर है उसको लिख देंगे। ठीक है, 7 का क्यूब 343 माइनस 27, 343 में से 21 को घटाएंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 322, तो हमको यहाँ पे मिल गया कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 322। इसका हम लोग अभी प्रूफ भी देखेंगे कि एक जो रूल हम लोग लगा रहे हैं वो किस तरह से लगाते हैं, इसका उपयोग कैसे है, कभी भी हमको इसको अंदर से जनरेट नहीं किया, हमारे माइंड में आ गया ये खुफिया दिमाग है और हम इसको नहीं कहिए, क्या है कॉन्सेप्ट का ये छोटा रूप है, अब बार बार आप उसको सॉल्व करिएगा, एक छोटा सा इसको क्यूब करिएगा बार बार, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन सारे उसको सॉल्व कर दिए स्टेप बाय स्टेप, और जो अंतिम में बचा ना उसको ही हम लोग ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी देख लीजिए अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर थ्री है तो एक्स का क्यूब माइनस वन बटा एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां से एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर थ्री है तो यहां से क्यूब पूछा जा रहा है, और दोनों जगह पे क्या है, माइनस है, यदि यहाँ पे माइनस रहता था तो हम लोग प्लस का भी निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालते थे ना, क्या होता था, किस नंबर का स्क्वायर कर देते थे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दो ऐड कर देते थे, यही करते थे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, क्यूब करना है,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए, इस नंबर का क्यूब करिए, 3 का क्यूब। अब यहां पे माइनस लगाएंगे कि प्लस, तो ये साइन डिपेंड करता है। यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, यहां पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या, 3 गुना जो ये नंबर है ना, वो नंबर को लिख दीजिए। तो 3 गुना 3, तो 3 का क्यूब 27 है। आप प्लस 3 दिए 9, तो 27 और 9 कितना हो गया, 27 और 3 30 और 6 36। तो हमको मिल गया कि x³ - 1/x³ = 36 है। लेकिन बात याद रखिए, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। स्क्वायर में क्या रहता था कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस जाते थे। यदि दोनों जगह पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यदि दोनों जगह पे माइनस है क्यूब में तो यहाँ पे क्या करिए, प्लस करिए। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे में क्वेश्चन है कि x - 1/x = 4 है, तो आपको बताना है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, यही बताना है। तो देखिए, माइनस से माइनस ही जा रहा है, पावर 1 से पावर 3 जा रहा है, ठीक है, क्यूब हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसका क्यूब करिए, 4 का क्यूब। दोनों जगह पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 गुना ये जो नंबर है उसको लिख दीजिए। 4 का क्यूब 64 + 3 = 12, 64 और 12 = 76। तो आपको मिल गया आंसर 76। अब देखिए, यहाँ पे दोनों पे जगह पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस किया, और यहाँ पे भी दोनों जगह पे माइनस था तो प्लस किया, और पहले में क्या किया कि एक दोनों जगह प्लस रहता था तो माइनस करते थे। अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि x + 1/x = 5 है, तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अभी इसको बनाएं। और एक क्वेश्चन है कि x - 1/x = 9 है, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। दोनों क्वेश्चन एक साथ देखना है कि जिसे कॉन्सेप्ट एक जगह पे ही दोनों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है दोनों जगह पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर 1 से पावर 3 जा रहा है, ना कि पावर 1 से पावर 2 जा रहा है। 2 का अलग कॉन्सेप्ट है और 3 का अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का क्यूब, दोनों जगह पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे -3 × 5, 5 का क्यूब 125 - 15 = 110। ये क्वेश्चन पहले भी बनाए थे। अब इसको देखिए, x - 1/x = 9 है, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस नंबर का क्यूब कर देंगे, -3 × 9, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है, और -9 * 27, तो यहाँ पे पता चल गया कि 702 जो है आंसर है। 9 का क्यूब कैसे, 9 × 9 × 9, 9 * 9 = 81 और × 9, 1 * 9 = 7, 8 * 9 = 72, तो 729 आ गया ना। 729 से 727 को में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 702। अब देखिए, ये जो ट्रिक है ना वो कैसे है, तो देखिए, x + 1/x = आपको दे दिया a, ठीक है, इसको हमने मिटा लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया कि x + 1/x = a है, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, आपको यही पूछा जा रहा था अब तक। तो देखिए क्या करिए, इसको दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो x + 1/x³ = हो जाएगा क्या, a³। a + b³ पे चल गया था, क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a + b होता है। याद फॉर्मूला रखना है, a + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a+b। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, x + 1/x³ है, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x * x + 1/x और बराबर जो है a³। यहां से x x क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा,
एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू कितना है, तो ए है। यहां पर लिख सकते हैं कि एक्स प्लस क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब, यहां पर थ्री ए बराबर जो है ए क्यूब है, तो यहां से प्लस थ्री ए को हटा दे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए। क्या अभी तक हम लोग इसी का यूज करते हुए आए हैं? ये जो नंबर आता था उसका क्यूब कर देते थे और दोनों जगह पे माइनस प्लस रहता था, तो यहाँ पे माइनस तीन गुना वो नंबर लिख देते थे। उसी तरह से आप माइनस वाले का प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ क्या किस लिए, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के लिए, ये प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो जैसे मैं देखिए आपको दे दिया कि x माइनस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो x क्यूब माइनस वन बटा एक्स का क्यूब का वैल्यू बताइए कि कितना होगा। आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखे थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन अभी हमको किसका उपयोग करना है, इसका। ए के जगह पे क्या है, एक्स है, और बी के जगह पे वन बटा एक्स है, इसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, एक्स माइनस वन बटा एक्स का क्यूब दोनों साइड। अब इसको तोड़िए a माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूला पे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x का क्यूब माइनस वन बटा एक्स का क्यूब माइनस थ्री गुना एक्स गुना वन बटा एक्स इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर ए का क्यूब। अब यहां पर देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन बटा एक्स की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए। तो यहां पर देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बटा एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वन बटा एक्स की जगह पे ए, तो थ्री ए बराबर ए क्यूब। अब इधर माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसको हटाइए, यहाँ पर क्या है ए का क्यूब अब प्लस थ्री है। क्या अभी तक हम इसका उपयोग किए हैं कि जब दोनों जगह पे माइनस है तो क्या करिए, इस नंबर का क्यूब करिए, अब प्लस दोनों जगह पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस थ्री है, यदि दोनों जगह पे प्लस है तो माइनस थ्री है, यही करते आए हैं। अब देखिए इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन है कि एक्स के पावर 28 प्लस वन बटा एक्स के पावर 28 बराबर, यदि आपको दिया हुआ है कि 7, तो एक्स के पावर 84 प्लस वन बटा एक्स के पावर 84 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आपको एक्स के पावर 28 प्लस वन बटा एक्स के पावर 28 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 है, तो एक्स के पावर 84 प्लस वन बटा एक्स के पावर 84 का वैल्यू बताना है। तो देखिए अब यहां से 56 दिया हुआ रहता है तो हम लोग दूसरा उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, 84। 28 में कितना से गुना करेंगे कि 84 होगा, तो 28 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 84 होगा। तो मतलब हमको समझ में आया कि तो है कि x प्लस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स क्यूब बराबर क्या कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बटा एक्स का क्यूब का ए क्यूब है, अब माइनस थ्री है, यदि दोनों जगह पे प्लस रहता था तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों जगह पे प्लस है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 सते 21, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322, तो आपको यहाँ पे 322 जो है आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि x के पावर 1001 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 1001 बराबर जो है दिया हुआ है 10, तो एक्स के पावर 3003 प्लस वन बटा एक्स के पावर 3003 का वैल्यू बताना है, और एक्स के पावर 2002 प्लस वन बटा एक्स के पावर 2002 का वैल्यू बताना है, आपको यहाँ पे दोनों का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1001 है, यहाँ पे 3003 है, इसमें यदि 3 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो चला गया वही फॉर्मूला पर, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए है, तो एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस थ्री है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 का क्यूब माइनस 3 गुना 10, 10 का क्यूब मतलब कि 10 के पीछे क्या करेंगे, 10 का क्यूब कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 कितना बार, 3 बार, तो यहाँ पे माइनस 30 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 970। तो यहाँ पे हमको इससे तो ये मिल गया, अब हमको क्या है कि x के पावर 1000 एक से x के पावर 2002 का वैल्यू बताना है, या आपको कह देता कि x के पावर 4004 प्लस 1 बटा x के पावर 4004 का वैल्यू बताइए, आप अब इस सब का निकाल सकते हैं, 2 3 4 सब का निकाल सकते हैं, लेकिन यदि x के पावर 5005 कर देता है तो उसके लिए आप लोग को अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पावर क्या है 1001 है, यहाँ पे 2002 है, तो क्या है 2 गुना है, तो 2 गुना जाने के लिए क्या करते थे, x प्लस 1 बटा x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर के लिए क्या करते थे, कुछ नंबर का स्क्वायर और माइनस 2 करते थे यदि दोनों जगह पे प्लस रहता था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का स्क्वायर और माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गया तो 98 यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहा है कि x के पावर 1001 प्लस 1 बटा x के पावर 1001 बराबर 10 है, तो x के पावर 4004 प्लस 1 बटा x के पावर 4004 का वैल्यू कितना होगा, तो पावर 1001 से 4004 में क्या है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, लेकिन हम लोग ऐसा कोई रूल नहीं सीखे कि डायरेक्ट 1 से 4 चल जाए, ऐसे सीखे कि यहां से हम लोग क्या जाएंगे यहां पे और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां पे, इसका तो वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 2002 गुना 2 क्या होगा 4004 आ जाएगा, ये क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका कि 98 का स्क्वायर और दोनों जगह पे प्लस है तो माइनस 2, अब 98 का स्क्वायर आप लोगों को करना है और माइनस 2 घटा दीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर 52 माइनस 1 बटा x के पावर 52 बराबर यदि 4 है तो आपको बताना है कि x के पावर 156 माइनस 1 बटा x के पावर 156 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 52 यहाँ पे 156 है, 52 गुना 3 156 होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक से क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है, तो दोनों जगह पे क्या माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे इस नंबर का क्यूब कर देंगे, नंबर का क्या करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा और बीच में दोनों जगह पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3 गुना ये नंबर, तो 4 का क्यूब 64 है और प्लस 3 जब 12 तो यहाँ पे आ गया 76। यहाँ पे हमको पूछ देता कि x के पावर 104 प्लस 1 बटा x के पावर 104 का वैल्यू बताइए, क्या करते हैं आप लोग, आप लोग को खुद से ये बनाना है। और यदि आपसे पूछ देता कि x के पावर 208 प्लस 1 बटा x के पावर 208 का वैल्यू बताइए तो कैसे बनाते, ये दोनों को आप लोग को बनाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x के पावर a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 बटा x के पावर a प्लस बी माइनस सी बराबर जो है 3 है, तो आपको बताना है कि x के पावर 3 गुना a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 बटा x के पावर 3 गुना a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पे पावर 1 से पावर 3 हो रहा है, क्या करेंगे कि उस नंबर का क्यूब कर देंगे और दोनों जगह पे यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस 3 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 का क्यूब, दोनों जगह पे प्लस है तो माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 9 कितना हो गया 18। यदि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि x के पावर 2 गुना a प्लस बी माइनस सी प्लस 1 बटा x के पावर 2 गुना a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, या x के पावर 4 इंटू ए प्लस बी
माइनस सी प्लस वन बटा एक्स के पावर फोर इंटू ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पावर एक से पावर दो हो रहा है, तो इसके लिए क्या सीखे हैं कि उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, तो तीन का स्क्वायर कर दिए, और यदि दोनों जगह पर बीच में प्लस है तो क्या करिए माइनस टू, तो तीन का स्क्वायर माइनस नौ, नौ माइनस दो सात हो गया, नौ माइनस दो सात। अब यहाँ देखिए पावर टू से पावर फोर हो रहा है, फिर दो गुना हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, तो सात का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे ये प्लस, तो ये दोनों जगह पे प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, तो माइनस कितना दो, तो सात के स्क्वायर उनचास में से दो गया तो सैतालीस आपको आंसर आ गया। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू।